अज़ीज़ुल मुअत्तलबा, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने भारत की आबादी की तकसीम के मुतालिक देख चुके हैं, अब हम भारत और ब्राज़ील की आबादियों की साख के तकाबुली मालूमात मंदरजा ज़ैल तरसीम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आबादी की साख, तनासुब जींस, ब्राज़ील और भारत, ये तरसीम क्या जाहिर करती है? शाबाश, सही कहा आपने, ये तरसीम भारत और ब्राज़ील के तनासुब जींस को जाहिर करती है। प्यारे बच्चों, तनासुब जींस यानी क्या? शाबाश, 1000 मर्दों में औरतों की तादाद। अब हम दी गई तरसीम के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता कई दहाइयों में तनासुब जींस 1000 से ज्यादा ब्राज़ील में रहा है। उसी तरह 2010 की मर्दमशुमारी के मुताबिक ब्राज़ील में 1090 तनासुब जींस है, तो औरतों की तादाद में 2001 से काबिले लिहाज ब्राज़ील में इजाफा हुआ है। अब हम भारत की तनासुब जींस की तरसीम को समझने की कोशिश करेंगे। तनासुब जींस 1000 से कम भारत में रहा है। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 947 तनासुब जींस भारत में रहा है। मुख्तलिफ दहाइयों में तनासुब जींस में कमी वो बेशी होती रही है। भारत में 1991 के बाद तनासुब जींस में निस्बतन इजाफा हुआ है। प्यारे बच्चों, ऊपर की तरसीम को देखकर ये बात समझ में आती है कि ब्राज़ील में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में हमेशा ज्यादा रही है। लेकिन प्यारे बच्चों, भारत में ये तनासुब हमेशा कम